अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के पटना स्थित सरकारी आवास में आग लग गई। तड़के सुबह करीब 8 बजे ये आग लगी, जो निचली मंजिल के कुछ कमरों में ये आग फैली। तस्वीरें आप देखिए कि जो भवन में मौजूद जो कमरे हैं, जो एसी हैं, वो जलकर राख हो गए। और ये तस्वीर देखिए कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो अंदर जो चीज़ें जल गई उन्हें अब हटाया जा रहा है, चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां संतोष कुमार सुमन के सरकारी आवास में ये आग लगी। और ये आप अंदर की तस्वीर देखिए कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि कुछ कमरों में ये आग फैली और तमाम जो घर की चीज़ें थी वो जली। हालांकि किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी यहां पर नहीं हुई है, लेकिन जो घर के सामान थे वो पूरी तरीके से जल गए हैं। और अब जो कर्मचारी हैं वो इसे साफ़ सुथरा कर रहे हैं। और तस्वीर देखिए कि अभी भी जो आँच है आग की वो निकल रही है और ये कमरा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। कई कमरों में ये आग फैली सुबह और आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई बताई जा रही है। और कई कमरे बाथरूम सहित ये जलकर राख हो गए हैं और जो भी सामान इन कमरों में मौजूद था वो पूरी तरीके से जल गया है। और ये देखिए, ये संभवतः एक बेड था जो अब पूरी तरीके से राख हो गया। ये क्या चीज़ थी, ये कौन सा कमरा था? ये तो यहाँ के स्टाफ पर बताएंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो हैं यहीं से, बाकी पार्टी के। अच्छा, तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो कमरा है वो जलकर राख हो गया है। जो लकड़ियाँ हैं अब वो हटाई जा रही, हालांकि लकड़ियों से अभी भी जो आँच है वो देखिए कोने में आपको नज़र आ रहा होगा कि आग जो है उसकी आँच अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन का जो सरकारी आवास है ये उसकी तस्वीर है। और अब जो शीशा तोड़ा गया है यहाँ पर धुआं निकलने के लिए। और मंत्री जी, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, नुकसान तो नीचे आग लगी है, नीचे उस रूम में जो भी सामान था करीब करीब सब जल गया। उसमें सोफ़ा है, पलंग है, एसी था और ऑफिस भी मेरा, उसमें भी कुछ जला है। नुकसान तो जो होना है होता ही है, लेकिन संयोग है कि हम लोग सब पूरे परिवार के साथ थे और 8-9 लोग हम लोग ऊपर में थे, हम लोग सब बच गए, भगवान का शुक्र है। आप सब लोग ऊपर में थे उसको? जी। कितने बजे सुबह में आग लगी? ये करीब 7:45 की बात है। हम ट्रेडमिल पर अपना दौड़ रहे थे, उस समय आवाज़ आई नीचे से और धुआं निकलने लगा। तो हमको लगा क्या हुआ, तो बोला लोग शॉर्ट सर्किट। जब नीचे उतर रहे तो उसी बीच में इतनी धुआं निकला हुआ था और सीढ़ी से हम लोग उतर नहीं पा रहे थे किसी तरह से, कैसे कैसे निकले। अब बाहर आके रूम को देखते हैं तो पूरे आग लगी हुई है। कितने कमरों में आग लगी? ये नीचे करीब एक किचन क्या में थोड़ा सा लपट है, मेरा जो ऑफिस चैम्बर था उसमें लगा हुआ है और हॉल में 3-4 रूम मान सकते हैं। नीचे का करीब करीब सब में लग गया, नीचे करीब करीब लग गया था, लेकिन एक रूम में ज़्यादा डैमेज हुआ है और मेरा जो ऑफिस था उसमें कुछ हुआ है। शॉर्ट सर्किट वजह थी या कोई और वजह? और तो कोई वजह हो नहीं सकती, शॉर्ट सर्किट ही थी, क्योंकि सुबह का समय था, सब लोग जगे हुए थे, तो और क्या वजह होगा। बाथरूम में एक व्यक्ति नहा रहा था, वो फंस गया, किसी तरह से साफ सफाई करने वाला जो सफाई कर्मी था वो दरवाज़ा तोड़ के निकाला उसको। अगर वो रूम में होता तो हो सकता था कि शॉर्ट बुझा देता उसको, लेकिन आग ऊपर भी जा सकती थी। आग आप लोग बाल बाल बचे? जी जी, ऊपर तो पूरा धुआं आ गया था और अगर 5 मिनट और लेट होता तो ऊपर भी चला जाता। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन
जिनके सरकारी आवास में आज सुबह आग लगी, और जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि वो आज बाल बाल बचे। और ये नीचे के वो कमरे हैं जहां सुबह में आग तकरीबन 8 बजे लगी, और खुद मंत्री ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही वजह हो सकती है इस आग के पीछे। और मंत्री ऊपर के कमरों में रहते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर था आग लगने के वक्त, लेकिन खुशकिस्मती रही कि आग की लपटें ऊपर के फ्लोर तक नहीं पहुंच पाई और उससे पहले आग पर काबू पा लिया गया। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।